कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर मेरे सहयोगी कुमार गौरव खड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। कुमार, आपने शेड्यूल तो पहले ही बता दिया है, आज गंगा आरती की तैयारी हो चुकी है, क्रूज तैयार है, काल भैरव मंदिर प्रदर्शन करेंगे, फिर जहां आप खड़े हैं वहां पर आने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जब वाराणसी में हो और ये उनका लोकसभा क्षेत्र है, तो एक अंतर ये होता है कि बाकी देश भर में भी वो जहाँ रोड शो करते हैं या सभा करने जाते हैं, दूसरों के लिए वोट मांगने जाते हैं, लेकिन चूंकि ये बनारस है और यहाँ से दो बार वो सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार के लिए आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तो जाहिर तौर पर यहाँ तैयारी काफ़ी बेहतर आप एक तरह से कह सकते हैं। चारों तरफ के रास्ते जो हैं वो बंद हैं, क्योंकि VVIP मूवमेंट है। प्रधानमंत्री के अलावा लगभग देश भर के 30 बड़े नेता, जो कि जिसमें कई मुख्यमंत्री हैं, BJP शासित राज्यों के तो हैं ही, NDA शासित राज्यों के भी मुख्यमंत्री हैं, वो सभी आज बनारस में हैं और प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन के वक्त सुबह में उनके साथ ब्रेकफास्ट की टेबल पे भी मिलेंगे और उसके बाद नॉमिनेशन के वक्त भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, एक ताकत दिखाने का प्रयास है, क्योंकि मोदी के नाम पे ही BJP इस बार पूरी चुनावी तैयारी BJP ने किया है और चुनाव लड़ रही है। जाहिर सी बात है, ये पूरा जो इलाका है उसको सजाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर के साथ, और एक पोस्टर जो हर जगह कॉमन है वो दिखता है कि बनारस में हर दिल में मोदी, हमार काशी हमार मोदी, ये है उनका पूरा एक तरह से थीम आप कह सकते हैं, BJP ने जो तय किया है। पूरे बनारस में कल से रोड शो के बाद से लेकर अभी तक की जो स्थिति है, कैसे 10 साल में बनारस बदला है, जो संकरी गलियाँ थी वो कैसे चौड़े रोड में बदली है, ये तमाम चीज़ें दिखाई गई है। इसके अलावा कॉरिडोर तो हैं ही, वो एक बड़ी बात है, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं कि अब से लगभग 10-15 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे BLW गेस्ट हाउस से, फिर 9:05। ठीक है कुमार गौरव, आप नजर बनाए रखिएगा, अभी वक्त की थोड़ी सी कमी है क्योंकि नजर सबकी वही है, लगातार हमारी नजर रहेगी आज वाराणसी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के बाद गंगा आरती करेंगे, गंगा पूजन करेंगे। और आज की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वाराणसी में PM मोदी आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री के नामांकन में, 12 राज्यों के CM होंगे शामिल, और सुबह 11:40 पर PM मोदी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे।